हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट किए गई जो कि आपकी फ़िजिक्स की है, जो आपको हेल्प करेगी मेनली वन दरोगा और एनटीपीसी एग्ज़ाम में, क्योंकि इनमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और अगर देखे जाए तो एसएससी, एनटीपीसी, वन दरोगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे उससे क्वेश्चन सीरीज में। उससे पहले गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाइस, तो ये है हमारा फिजिक्स का पार्ट टू, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और उत्तराखंड की बात करें तो आपके वन दरोगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जो हमारा गाइस ये पार्ट चल रहा है अभी यांत्रिकी मैकेनिक्स की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। पहले हम मैकेनिक्स के सारे पार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश वेक्टर राशि है? संवेग, वेलोसिटी, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो गाइस, बात चल रही है किसकी? सदिश राशि की। सबसे पहले समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो, दो टाइप की क्वांटिटी आप बेसिकली पढ़ोगे, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी क्या होती है? स्केलर, ठीक है। इसे कहते हैं सदिश और इस स्केलर को क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो देखिए, वेक्टर राशियाँ या सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा मीन्स डायरेक्शन और परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी और किसकी? मैग्नीट्यूड की भी क्या होगी? ज़रूरत होगी। स्केलर क्वांटिटी की बात क्या होती है गाइज? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, ठीक है। दिशा की ज़रूरत ना भी हो तो चलेगा। तो अगर दिशा और परिमाण दोनों है तो हमारा कौन सी राशियाँ होंगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर केवल परिमाण है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो वो राशियाँ कौन सी होंगी? अदिश राशियाँ होंगी। जैसे आप सिंपल समझो, मैंने बोला 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। बट अब मैंने क्या बोला आपसे? 5 किलोमीटर ईस्ट बोल दिया। आपको क्या दे दी? डायरेक्शन भी दे दी साथ में, ठीक है। पहले मैं बोला 5 किलोमीटर जाओ, कहाँ जाओ, किस डायरेक्शन में जाओ, नहीं बताया, अदिश राशि। अब मैंने बोला 5 किलोमीटर जाओ लेकिन ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा? अदिश राशि, ठीक है। तो आप देखिए, हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कौन एक सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? संवेग, ठीक है। बात चल रही है मोमेंटम की, तो मोमेंटम गाइज पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, वेलोसिटी। और ये कैसी राशि है आपकी? सदिश राशि है। दूसरा ऑप्शन दिया है वेलोसिटी वी, ठीक है। एक होती है गाइज चाल, स्पीड, ठीक है। एक होती है आपकी क्या? चाल। चाल मतलब क्या हो गया आपका? स्पीड। जब स्पीड की बात चलती है तो स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है गाइज? ये होती है स्केलर। जबकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमसे क्या पूछा गया? वेलोसिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगला बोल रहा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी वी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। और अगला पूछ रहा द्रव्यमान, मास। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है गाइज, ये भी आपकी कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो मास होता है, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अदिश राशि है, आपसे क्या पूछा गया है? स्केलर क्वांटिटी, ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। ऊर्जा एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है गाइज। बलाघूर्ण टॉर्क की बात चल रही है, ठीक है। और संवेग मतलब किसकी बात चल रही है? मोमेंटम। उपयुक्त सभी मतलब ऑल ऑफ द दीज। अब देखिए, एनर्जी, टॉर्क और मोमेंटम। टॉर्क टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस आर, ठीक है। जहाँ भी जिस फॉर्मूले में आपको क्रॉस दिख जाए ना, तो पहले तो वो कैसी क्वांटिटी होगी आपकी? टॉर्क है। तो ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? सदिश राशि है। दूसरा संवेग, मोमेंटम, पी बराबर अभी अभी ऊपर बताया था मैंने एम इंटू वी, ये भी कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो आपकी एनर्जी है, ये कैसी राशि होती है गाइज? अदिश राशि होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपको बताना है कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग, वेलोसिटी, दाब, प्रेशर, ऊर्जा, वर्क। अगर वेग की बात करें तो वेलोसिटी, ठीक है, ये तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। वेलोसिटी कैसी राशि होती है? सदिश। प्रेशर पी बराबर क्या होता है गाइज? एफ अपॉन ए, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे प्रेशर की यूनिट क्या होती है दाब की, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल दिया होगा आपको। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या होगी आपकी? स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है, गतिज ऊर्जा भी। अगर मात्रक पूछता है तो क्या होता है आपका? जूल,
ठीक है। कार्य वर्क W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, ये हो गया। यूनिट पूछेगा तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सदिश राशि है, बाकी सारी दाब ऊर्जा और कार्य तीनों कैसी राशियां हैं, अदिश क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी राशि सदिश नहीं है, विच क्वांटिटी इज नॉट अ स्केल वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी जो नहीं है। देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए दूरी एक यहाँ पर समझा देता हूँ, एक होता है दूरी और दूसरा क्या होता है आपका विस्थापन। तो गाइज दोनों में अंतर क्या होता है, दूरी क्या हो गई जितना भी, जैसे ये ए पॉइंट है मेरा और ये पॉइंट क्या था बी। एक आदमी गया, मैंने बोला ए से बी में जाओ, एक आदमी सीधे गया और एक थोड़ा क्या चला गया, घूम के चला गया, ठीक है। तो ए से बी तक जो ये डायरेक्ट गया, ठीक है, ए से बी तक की जो न्यूनतम दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है गाइज, विस्थापन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जो अगर ये पूरा घूम के गया, आप इस पूरी डिस्टेंस को अगर मेजर करोगे तो वो क्या होगी आपकी दूरी। तो दूरी जो होती है ये तो अदिश राशि होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। दूसरा जो दूरी होता है आपकी, ठीक है, जो दूरी है या डिस्टेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगी हमेशा, ठीक है। बट जब विस्थापन की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हो, तो विस्थापन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव विस्थापन कुछ भी हो सकता है। तो हमसे पूछा गया क्या गाइज, कौन सी राशि सदिश नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स या फिर आयतन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, सदिश राशि है, वेलोसिटी सदिश है, बल फोर्स एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए, ये भी कैसी राशि है, सदिश। क्यों, क्योंकि एक्सिलरेशन आ चुका है, एक्सिलरेशन कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। आयतन की बात करें तो आयतन वॉल्यूम जो ये है वी, ये आपका क्या होता है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदिश राशि है वेग द्रव्यमान समय लंबाई। तो देखिए वेलोसिटी सदिश है, ठीक है, मास समय और लेंथ आपको बताना है गाइज, सदिश राशि है वेग, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है। तो गाइज वेलोसिटी जो होगी आपकी, वेग जो है वो कैसी राशि है, सदिश। देखिए मास है, टाइम है, लंबाई है, तीनों क्या है, इनको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मली मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वी आपकी सदिश राशि है, बाकी तीनों द्रव्यमान समय और लंबाई लेंथ, ये तीनों के तीनों कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं बाय गाइज यहीं पर देख लूँ वेलोसिटी की, आपको अगर यूनिट पूछे मेजर किस में करते हो, तो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। द्रव्यमान का पूछे तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। समय का पूछे तो क्या हो जाएगा, सेकंड। लंबाई की पूछे तो क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, घनत्व आयतन द्रव्यमान चाल। तो गाइस सबसे पहले समझिए व्युत्पन्न परिमाण क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जो हमारी क्या है ऑलरेडी जैसे पहले से है, जैसे मैं बोलूँ द्रव्यमान मास, ठीक है, दूसरा टाइम, ठीक है, लंबाई, ठीक है, ये जो होती है, और क्या बोल सकते, टाइम हो गया, तापमान हो गया, कैंडिला हो गया, ठीक है, विद्युत धारा, तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी गाइस ये कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको इन फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको बोला वेलोसिटी वी बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी, ठीक है। अब डी क्या होता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हुआ, तो उसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, और टी क्या हो गया, टाइम, यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड। तो देखो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, लंबाई और समय, उसकी क्वांटिटी से मैंने कोई तीसरी क्वांटिटी बनाई, तो ये जो क्वांटिटी वेलोसिटी आई ये मेरी क्या कहलाई गई, ये मेरी कहलाई ड्राइव क्वांटिटी, या फिर किसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न व्युत्पन्न परिमाण, ठीक है, या क्वांटिटी। अब मेरे से क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, मतलब कौन सा एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बताना है आपको। तो देखो घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो देखो घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, एम अपॉन वी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगी आपकी, ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब आयतन की बात करें तो वी बराबर क्या होता है, एम क्यूब होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे ही लिखते हो आयतन को,
तो ये भी क्या है मेरा बनाई गई है। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या है मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे है। चाल की बात करूँ तो देखो चाल बराबर क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक कर दीजिए जिससे कि आगे भी आपके लिए वीडियो बनाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस, त्वरण एक्सिलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो सबसे पहले समझिए त्वरण क्या होता है। ठीक है, एक्सिलरेशन ए की बात करूँ गाइस तो ये होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। अब गाइस ये याद रखिएगा, जब भी आपको फिजिक्स में दर दिख जाए ना तो दर का मतलब होगा कि हमें डिवाइड किया गया होगा, किससे डिवाइड किया गया होगा टाइम से। तो मैंने क्या बोला ए इज इक्वल टू वी वेग परिवर्तन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी अपॉन टी, ये हमारा क्या होता है गाइज त्वरण होता है। अब ये वी डेल वी कर दीजिए इसे, इसको हम क्या लिखते हैं वी माइनस यू। ठीक है, जहाँ वी जो है आपकी ये क्या है आपका अंतिम वेग और यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अगर ये आप कर ले तो इससे आपको क्या निकल जाता है आपका एक्सिलरेशन निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन में है वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए। अगर आपसे गाइज पूछे त्वरण की यूनिट क्या होती है तो देखो त्वरण मैंने क्या लिखा है वी वेलोसिटी लिखा है ना, और वेलोसिटी हमें पता है मीटर पर सेकेंड होता है, इनटू टाइम से डिवाइड किया है इसे तो 1/सेकेंड और आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज़ याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होती है वेलो एक्सिलरेशन की यूनिट। अगर मीटर पर सेकेंड बोलेगा तो वो किसकी यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पदार्थ के संवेग मतलब मोमेंटम और वेग के अनुपात को से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो गाइज हमसे पूछ रहे हैं मोमेंटम एम और वेग एम अपॉन वी के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो गाइज अगर मैं क्या कर दूँ मोमेंटम पी को क्या कर दूँ वेलोसिटी से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा ये बताना है। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के, और अगर मैं इसे वेलोसिटी से डिवाइड कर दूँ तो वी से वी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका केवल मास बचेगा ना। तो आप देख सकते हैं मास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, द्रव्यमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बल आया है गाइज तो बल हमको पता है एफ बराबर क्या होता है एम इन टू ए, अगर यूनिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन, वेलोसिटी बता दिया मीटर पर सेकेंड, त्वरण बता दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बार बार जितने ऑप्शन आएंगे गाइज आपको यहीं पर याद हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो को सुनेंगे तो आपका मैकेनिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जो आने वाली दो तीन सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वीमा एम एल टी माइनस टू किसके अनुरूप है? तो सबसे पहले समझते हैं गाइज वीमा होती क्या है। ठीक है, डायमेंशन होती क्या है? तो देखो डायमेंशन में कुछ नहीं करना आपको, जैसे वो बोल रहा है एम एल टी माइनस टू, पहला ऑप्शन लिखा है फोर्स, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। बस फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा मास इंटू क्या होता है एक्सिलरेशन। अब देखो मास जो है इसकी अगर मैं डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन इसे कैपिटल एम लिखा जाता है मास को, ऐसे ही अगर लेंथ होगा तो लेंथ को कैपिटल एल लिखा जाता है, टाइम के लिए कैपिटल क्या होता है टी। ये तीन आप याद रखिए मास लेंथ और टाइम, आपके एग्जाम में इससे बाहर आपका ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, टेम्परेचर का आ सकता है और ठीक है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो मास के लिए मैंने एम दिखा दिया, अब एक्सिलरेशन है। ठीक है, तो एक्सिलरेशन की बात करूँ तो एक्सिलरेशन अभी मैंने बताया जो एक्सिलरेशन होता है वो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी को भी हमने पढ़ा है वी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी इसका नीचे है तो डी अपॉन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ये जो डी है गाइज ये क्या है लंबाई है ना, और लंबाई को किससे शो करते हैं मैंने बोला लेंथ से, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे एल, और नीचे देखो क्या है टी का स्क्वायर, और टाइम को किससे शो किया जाता है टी से, और उसका भी क्या है आपका स्क्वायर है। तो आप देख लो आपका क्या आ जाएगा एम एल, जब भी पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, मैथ में हमने पढ़ा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। अब आप देख लीजिए एम एल टी माइनस टू ही हमसे पूछा है तो बल की क्या हो जाएगी ये वीमा हो जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार चलिए दूसरा करते हैं। कार्य की पूछ रहा है, अगर हमसे कार्य की पूछता वर्क की, ठीक है, वर्क डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी। ठीक है,
बल गुणा विस्थापन हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब देखिए बल की, बल की हमें पता है, अब मैं बल की अगर निकालना चाहूँ तो देखो m इंटू ए होगा ना। अभी मैंने बताया m के लिए क्या लिखोगे, ए। ए त्वरण की बात कर रही है तो त्वरण का क्या होता है, एल टी माइनस टू। कैसे आया, मैंने ऊपर बताया लेंथ, ए बराबर क्या होता है डिस्प्ले वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वी को मैंने डी अपॉन टी किया तो टी स्क्वायर हो गया था। तो बल का तो आप मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, एम एल टी माइनस टू, ठीक है ये लिख दिया मैंने। देखिए फोर्स का आ गया एम एल टी माइनस टू। अब साथ में क्या है इसके, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, दूरी के लिए क्या करते हैं एल। तो आप देख लीजिए एल की एक पावर यहाँ पर है, एल की पावर एक यहाँ पर है। जब भी बेस समान होते हैं तो क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये हो गई। ऐसे ही त्वरण का मैंने डिस्कस कर लिया, त्वरण का डायरेक्ट ये तो आप याद कर लीजिए, त्वरण का तो बहुत काम आएगा, एल टी माइनस टू होता है, ठीक है। अगर वेग, तो वेग का क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो इतनी होगी, ठीक है। देख सकते हैं आप एक क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए एक्स्ट्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो गाइज आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर आप झूले पे बैठे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल झूल रहे हैं और एक अचानक से आप अगर झूले पर खड़े हो जाते हैं तो झूले पे दोलनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है ना, झूला क्या करने लग जाता है आपका, आगे पीछे एकदम तेज करेगा। अब अगर क्या हो गया, मेरे दोलनों की संख्या बढ़ गई, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, उसकी आवर्ती का आवर्ती बढ़ गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, अपोजिट होता है। अब जब आपका दोलनों की संख्या बढ़ गई, जैसे ही आप खड़े हुए, ठीक है, दोलनों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, आप जब कभी करके देखोगे झूले में, ये करके देखना, तो एकदम से देखोगे झूला तेज तेज क्या करना लग जाएगा, दोलन करने लग जाएगा, फ्रिक्वेंट करने लग जाएगा। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो देखो टी और एफ आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो आपका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड क्या हो गया, घट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल ये करके कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाइज क्या हुआ, एक मेज है, ठीक है, मेज अभी हम राउंड कर रहे हैं इसे, एकदम आकर आप कोई बैठ गया, या फिर मैं बोलूँ इस पर मैंने कोई वेट रख दिया, ठीक है, मैंने कोई क्या कर दिया, वेट रख दिया। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर घूम रही है उस पर अगर मैं कोई वेट रख दूँ तो उसका घूमना क्या हो जाएगा, कम होगा, नहीं होगा, ठीक है। आप अगर वो चीज़ कम घूम रही है तो वही तो मेरी वेलोसिटी है ना, राउंड में वो घूम रही है तो वही मेरी एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। तो देखिए समझते हैं क्या बोला, चलती हुई वस्तु के वेग मतलब वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया, पहले वेलोसिटी वी थी, ठीक है, और बाद में मैंने वी डैश क्या कर दी, उसकी 2 गुनी कर दी। तो सिंपल है, उसकी क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा की बात करूँ, गतिज ऊर्जा और हमारे वेग में रिलेशन। तो देखियो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, पहले वेलोसिटी वी थी, बाद में मैंने 2 गुनी कर दी, तो इसके स्क्वायर में ही बढ़ेगी ना, 2b का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4v। तो जैसे ही वेलोसिटी 2 गुनी हो जाएगी तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है गाइज, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइज, 2 फॉर्मूले याद रखिएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा। दूसरा जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये जो पी है आपका, ये क्या है, संवेग, जिसे कि आप क्या बोलते हो, मोमेंटम बोलते हो, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखिएगा। अब वो यहाँ से क्या पूछता है, बोलता है कि संवेग को 2 गुना कर दे या हाफ कर दे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो गाइस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी थ्योरी हो रही है, साथ में आप नोट्स बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो आपको है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, उसी के साथ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं
या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, अब देखिए केमिस्ट्री की सीरीज जिसने मेरी देखी होगी, मैंने पहले लेक्चर में ही बताया है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास, और अगर भार की बात करूँ तो भार क्या हो गया आपका, वेट हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, मास मतलब क्वांटिटी। ठीक है, आपके पास 2 किलो आलू हैं, आप उसको यहाँ पर रखो, 5 दाने आलू हैं तो 5 ही दाने रहेंगे। ठीक है, और अगर उन 5 को कहाँ पर ले जाओ, मून पे ले जाओ, चंद्रमा पे, तो वहाँ पर भी कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे। तो याद रख लो मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, बट वेट, जब भी किसी चीज़ का वेट निकालना है तो मास में जी से क्या कर दिया जाता है, इंटू कर दिया जाता है। जी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी, गुरुत्वीकरण, सॉरी वेलोसिटी नहीं, ये आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटी। अब देखो एम इंटू जी, जी अगर बात करूँ तो पृथ्वी पे तो ये 9.8 है, बट चंद्रमा पे पृथ्वी का 1/6 है। ठीक है, तो अगर आपका वेट यहाँ पर कितना है, 60 kg है, तो वो चंद्रमा में क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, वेट आपका चेंज हो सकता है, पृथ्वी पे भी आपका वेट चेंज हो सकता है। ध्रुव पे जाओगे तो कुछ समथिंग थोड़ा कम आ जाएगा, आप नीचे एरियाज में आओगे, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मास हमेशा क्या रहेगा, सेम, बट आपका जो वेट है, वेट क्या होता है, वो चेंज हो सकता है। तो आपका आंसर कौन सा है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गैलीलियो का नियम। तो देखिए न्यूटन की बात आ गई, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं गाइज, 3 नियम दिए हैं, गति के 3 नियम दिए गए हैं, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। ठीक है, पहला नियम क्या कहलाता है आपका, जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इसने क्या बोला था, पहले नियम में बोला गया है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। ठीक है, अगर कहीं पे भी क्या है, बॉडी है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर नहीं लगाओगे। इसी को जड़त्व मतलब इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। इससे हमें क्या पता चला, फोर्स की परिभाषा के बारे में पता चला। ठीक है, बल की परिभाषा देता है, आप ये भी कह सकते हो। दूसरा इक्वेशन क्या करता है, इसमें बोला गया एफ बराबर एम ए। ठीक है, ये बल का सूत्र देता है, और इसको आपने कहीं कहीं पे ये भी देखा होगा, dP/dt। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाता है, इस टाइप से भी देखा होगा। तो ये देता है आपका क्या, फोर्स की इक्वेशन देता है। अगर आपसे पूछे बल की परिभाषा कौन देता है, तो पहला नियम, बल का समीकरण या सूत्र कौन देता है, तो दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या हुआ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, इसको क्या बोलते हो, एक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। इसमें क्या बोला गया, अगर कोई वस्तु पर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो उसके बराबर परंतु अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, दो बॉडी पे लगता है और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी, इसी के वजह से आप चल पाते हो। ठीक है, आप पृथ्वी पे फोर्स लगाते हो, पृथ्वी अपोजिट में अपोजिशन में एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इतनी हो गई न्यूटन के बारे में बातें। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऐसा कौन से नियम में बोला गया था, न्यूटन के पहले नियम में, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो गाइज देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम को अगर मैं देखूँ तो एफ बराबर क्या है, एम इंटू ए। तो यहाँ से डायरेक्ट देख लो, ए और एफ आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फोर्स के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो गाइज अभी मैंने बताया जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर
लगेंगे। तो देखिए, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कैन भी तो हो ही नहीं सकता, वो लगेगा ही। क्रिया प्रतिक्रिया अगर आ गया है, एक्शन रिएक्शन, तो हमेशा दो बॉडीज़ की बात हो रही होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। का परिमाण बराबर होना चाहिए किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, दिशा भी क्या होती है, विपरीत होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइज, पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया आपको, एक्सप्लेन किया, उसके बाद सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। तो बस आप ध्यान से सुनते रहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। पहला नियम अभी बताया मैंने, जड़त्व का नियम कहते हैं, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, रेस्ट और मूवमेंट वाला जड़त्व इनर्शिया का नियम। दूसरा नियम बता दिया, एफ बराबर एम ए या फिर डी पी बाई डी टी, ये याद रखिएगा। तीसरा एक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। तो गाइज, आप अगर तैर रहे हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, वाटर पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसे पीछे को करते हैं, तो वाटर आप पे फोर्स लगाता है और उसी की वजह से आप कहाँ जाते हो, आगे की ओर बढ़ोगे, तैरने के लिए जाओगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है, न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्कमिडीज का, गैलीलियो का। तो गाइज, ये किसका कथन था, न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन ने अपने पहले नियम में यही बोला है, रेस्ट में अगर कोई है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो कोई मोशन में ही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित की होता है, उपयुक्त सभी। तो गाइज, अभी अभी मैंने बताया, पहला नियम बल की परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल का सूत्र या फिर संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, सिद्धांत देता है। तो आपका आंसर तो वैसे ही दिख रहा है मुझे, ए हो जाएगा, ठीक है। तृतीय नियम संवेग संरक्षण गलत हो गया, क्योंकि ये तो कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम था एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है गाइज, ये किसी भी बॉडी के क्या है, एक प्रॉपर्टी है कह सकते हो, जो अपने अंदर होने वाले चेंज का क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पे कोई चेंज हो तो वो उसका हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। तो वही चीज आपका क्या कहलाता है, जड़त्व या इनर्शिया कहलाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनर्शिया का नियम कहते हैं, मतलब गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा ना गाइज, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़ा गाड़ी पर आरोपित बल, उससे भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता, उससे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। हमसे पूछ रहा घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑप्शन पढ़ते हैं, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, वो तो उसने पृथ्वी पर आरोपित बल किया है तो वो तो उसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा नहीं। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हुआ क्या, देखो ये घोड़े ने क्या किया, अर्थ पे क्या लगाया गाइस, फोर्स डाला, ठीक है। अब अर्थ ने रिवर्ट में एक फोर्स डाला, उसकी वजह से घोड़ा क्या गया, आगे की ओर आपका मूवमेंट हुआ उसका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मत सोचिएगा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा अगर वो करोगे, ठीक है। घोड़े ने क्या किया है, अर्थ पे फोर्स डाला है, फिर अर्थ का जो प्रतिक्रिया बल है उसी की वजह से क्या हुआ है, मूवमेंट होता है। सेम हमारे इंसानों के साथ भी होगा, ठीक है। हम अर्थ पर फोर्स डालते हैं, अर्थ ने हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स किया और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से हम कहाँ करते हैं, आगे की ओर मूवमेंट होता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो गाइज, एक अगर बस है, आपने नॉर्मली भी देखा होगा, बस एकदम से ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर क्या होते हैं, झुकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका क्या हुआ है, चेंज इन
आपकी क्या हुआ है, अवस्था में परिवर्तन होने का आप क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप एकदम पहले मूवमेंट में थे, गाड़ी मूवमेंट में थी, गाड़ी एकदम रुकी तो आप क्या हो गए, आगे की ओर आपको एकदम क्या लग गया, धक्का। तो ये ऑप्शन कौन सा होता है, पहला, न्यूटन का कौन सा नियम, पहला नियम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, संवेग संरक्षण, संहति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो गाइस जो रॉकेट की कार्य प्रणाली होती है वो आपके संवेग संरक्षण पर क्या होती है, वर्क करती है, ठीक है। आपने देखा होगा ये रॉकेट है मेरा, तो इनिशियली यहाँ पर क्या होगा, मास होगा, ठीक है, और वेलोसिटी। अब ये धीरे धीरे जैसे जाएगा गाइज, इसका मास क्या होगा, कम होता रहेगा, वेलोसिटी क्या होगी, उसी प्रोपोर्शन में इसकी इंक्रीज होती रहेगी। आप देखते होंगे रॉकेट जब जाता है, वेलोसिटी धीरे धीरे एकदम, अगर 130 है तो 130 एकदम तो ट्रैवल करेगा नहीं ना, धीरे धीरे क्या होती है, स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। तो ये क्या करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, ठीक है। आप घोड़े पर बैठे हैं और एकदम घोड़ा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया चलना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या लगेगा, एकदम इफेक्ट पड़ेगा, आपको धक्का लगेगा। तो ऐसा हुआ क्यों, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम, ठीक है। अब देखिए गाइज, जब आप घोड़े की पीठ पर बैठे थे तो घोड़ा भी रेस्ट कंडीशन में था और आप भी किस कंडीशन में थे, रेस्ट। तो आपका अभी क्या है, रेस्ट इनर्शिया है, ठीक है, मतलब आप स्थिर जड़त्व में है। एक होता है स्थिर जड़त्व, रेस्ट इनर्शिया, दूसरा क्या होता है, गतिमान जड़त्व या मोशन इनर्शिया कहोगे। अब जब आप स्थिर हो, एकदम से आपकी स्टेट में चेंज हुआ ना, आपकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उस चीज़ का आप विरोध करोगे, तो आपके स्थिर जड़त्व के कारण, ठीक है, स्थिर जड़त्व के कारण क्या होगा, आप एकाएक क्या हो जाओगे, क्या हो जाएगा, गिरने की आशंका, अश्वरोही के गिरने की आशंका क्यों होगी, क्योंकि आप किस में हो, अभी विश्राम में हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व, उसमें आप क्या करोगे, उस अवस्था का परिवर्तन का विरोध। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके कमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दिया जाएगा या मे बी उसी वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछा खींचकर पकड़ता है, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो क्रिकेट खेलते होंगे, जब बॉल आती है तो क्रिकेटर क्या करते हैं, थोड़ा हाथ को पीछे ले जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, कह रहे हैं बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो डी और ई अप्रोप्रिएट आंसर अगर मैं देखूँ तो विश्राम की अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए गाइज ऐसा किया क्या हो जाता है, ये समझते हैं। हमने पढ़ा एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, अभी से को मैं ये लिख सकता हूँ ना, एम वी अपॉन टी, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। अब देखिए जब मैं क्या करेगा, कोई भी प्लेयर है, बॉल आई एकदम हाथ यहीं पर था उसने, एकदम बॉल यहीं पर आ गई, तो टाइम जो था, ठीक है, टाइम क्या लगा उस टाइम पे, टाइम क्या था, ज़्यादा था ना, सॉरी कम टाइम लगा, एकदम बॉल आई आपके हाथ में तो टाइम कम था, तो फोर्स आपके हाथ में क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसके रिस्पेक्ट में एक दूसरा प्लेयर है, उसने क्या किया, जैसे ही बॉल आई वो हाथ को थोड़ा क्या ले गया, पीछे ले गया, ठीक है, मोशन मतलब उस बॉल को रेस्ट में लाने के लिए उसने टाइम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप टाइम की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो गई, और जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो आपके हाथों में क्या होगी, कम चोट लगेगी उससे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ये भी हो गया दूसरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ठीक है गाइज, ये हो गई हमारी आज की सीरीज़ 2। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। गुड बाय, थैंक यू।